हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली हेडिंग, हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन के कौन कौन समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को 1H1 कहते हैं, ड्यूटीरियम को 1H2 या D कहा जाता है और ट्राइटियम को 1H3 या टी कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम की पहचान केवल H या 1H1 से, ड्यूटीरियम की पहचान 1H2 या D से और ट्राइटियम की पहचान 1H3 या टी से होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये समस्थानिक जो हैं एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम जो हैं एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? तीनों में अगर देखा जाए, 1H1, 1H2, 1H3, तीनों में नीचे वाले जो नंबर है 1 समान है, अर्थात तीनों का परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार जो है 1, 2, 3 है, अलग अलग है। ठीक है, परमाणु भार का अलग होना इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो 1H1 में न्यूट्रॉन 0 होगा, 1H2 में 1 होगा और 1H3 में 2 होगा। ठीक है, तो ये तीनों समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर एक दूसरे में भिन्न होते हैं। अगर न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है, 0 है, तो वह प्रोटियम होगा। 1 न्यूट्रॉन है तो ड्यूटीरियम और 2 न्यूट्रॉन है तो ट्राइटियम होगा। तो ये तीनों समस्थानिकों से न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सामान्य हाइड्रोजन अर्थात प्रोटियम 1H1 में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। सामान्य हाइड्रोजन अर्थात प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि ड्यूटीरियम जिसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, में 1 न्यूट्रॉन, जबकि ट्राइटियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ड्यूटीरियम के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन जबकि ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सन 1934 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैराल्ड सी यूरे ने यूरे को भौतिक विधियों द्वारा दो परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिकों का पृथक्करण करने पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1934 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैराल्ड सी यूरे इनको भौतिक विधियों के द्वारा दो परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक का पृथक्करण करने पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन का प्रमुख समस्थानिक जो है वह प्रोटियम होता है। हाइड्रोजन का प्रमुख समस्थानिक प्रोटियम है। ड्यूटीरियम लौकिक हाइड्रोजन में 0.0156% तक मुख्यतः HD के रूप में पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का प्रमुख समस्थानिक प्रोटियम होता है। ड्यूटीरियम जो है वह लौकिक हाइड्रोजन में 0.0156% तक मुख्यतः HD के रूप में निहित है। ट्राइटियम की सांद्रता जो है लगभग 10^18 प्रोटियस परमाणु में एक ट्राइटियम परमाणु की है। ठीक है, तो ट्राइटियम की सांद्रता जो है वह लगभग 10^18 प्रोटियम परमाणुओं में से एक ट्राइटियम के परमाणु की होती है। इन समस्थानिकों में से केवल ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। ठीक है, इन तीनों समस्थानिकों में केवल ट्राइटियम जो है वह रेडियो सक्रिय होता है। पी हाफ बराबर उसका 12.33 वर्ष होता है। अर्ध आयु जो होती है 12.33 वर्ष होता है, तथा न्यून ऊर्जा वाले बीटा कणों को उत्सर्जित करता है। ठीक है, यह कम ऊर्जा वाले बीटा कणों को उत्सर्जित करता है। चूंकि समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी लगभग समान होते हैं। तो समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी
लगभग समान होते हैं। इनकी केवल अभिक्रिया की गति मुख्य रूप से अपने विभिन्न बंध वियोजन एंथैल्पी के कारण भिन्न होती है। ठीक है, तो अभिक्रिया की गति जो है वह मुख्य रूप से अपने विभिन्न बंध वियोजन एंथैल्पी के कारण अलग अलग होती है। तथापि भौतिक गुणों में ये समस्थानिक परमाणु भार में अंतर का कारण भिन्नता दर्शाते हैं। तो भौतिक गुणों में समस्थानिक जो हैं परमाणु भार में अंतर के कारण भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि चूंकि समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी लगभग समान हैं। इनकी केवल अभिक्रिया की गति मुख्य रूप से अपने विभिन्न बंद वियोजन एंथैल्पी का कारण भिन्न होती है। तथापि भौतिक रूप से रासायनिक परमाणु भार में अंतर का कारण भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम और प्रोटियम के बारे में। थैंक यू।